अभी चतुर्थी भाषा विचारों की भी होगी, लेकिन कम बोलेंगे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ जब ऐसी स्टेज हमारी बन जाएगी कि दूर विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति से हम बात कर सके, तो बोलने की दरकार रह गई, दरकार ही नहीं रही। लेकिन ये तो ऊंची से ऊंची स्टेज है, और सत्युग में तो कुछ नीची स्टेज होगी। तुम ब्राह्मण हो ऊंच से ऊंच, और देवताएं उनके मुकाबले उतने ऊंच नहीं कहे जावेंगे। तुम्हारी है लगातार चढ़ती कला, और देवताओं की होगी उतरती कला। तो उनकी भाषा भी संपूर्ण इशारे की भाषा हो 100%, ये नहीं हो सकता। घर इसलिए बनाए जाते हैं, कोई कारण होगा। एक तो मुख्य कारण देह अभिमान, देह अभिमान के कारण आता है काम विकार, उसको छुपाने के लिए दीवाले बनाते हैं। फिर दूसरा कारण है देह अभिमान के कारण सुख दुख अनुभव होता है, सर्दी गर्मी बरसात ओलियों का अनुभव होता है, तो छत डालते हैं। वहां पर ये सब बातें, वहां तो सदा बाहर मौसम होगा, इसलिए घर बनाने की दरकार होती नहीं। शरीर के साथ रहेंगे, कोई ऐसे भी है जिनका शरीर खलास हो जाएगा, वो तो अभी भी खलास होता रहता है, है? जो 18 तक रहेंगे, माना 18 तक ही रहेंगे, 17 तक रहेंगे या उससे पहले रहेंगे या बाद में भी रहेंगे, वो तो जब तक सारी दुनिया का विनाश नहीं होता है तब तक तो 500-700 करोड़ रहेंगे ना। यहाँ नहीं रहेंगे तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं की तरह सूक्ष्म बतन में रहेंगे, रहना तो पड़ेगा इसी दुनिया में। हाँ जी, हाँ, ये हो सकता है कोई पवित्र शरीर से रहेंगे, कोई सूक्ष्म शरीर से रहेंगे, और कोई अपवित्र शरीर से रहेंगे। बाबा, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी मौसित नहीं हुआ था। हाँ जी, तो जैसे 3 पैर पृथ्वी के बाबा, उसमें नंबर 1 पांडव तो राम वाली आत्मा है जिनको देश निकाला मिला, औरों को देश निकाला नहीं मिलता है क्या? नहीं, नंबर 1 में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नंबर 1 में तो राम वाली आत्मा है। हाँ जी, तो 3 पैर पृथ्वी के जो बोला है बाबा, हाँ, तो पृथ्वी माना धरनी, हाँ, कन्या माता को बोला है, हाँ, तो 3 पैर पृथ्वी के बोला है, माना पैर उसको बुद्धि रूपी पैर होता है। हाँ हाँ, बुद्धि रूपी धरनी तो चाहिए, तो माना 3, बिना धरनी के कोई राज्य स्थापन होगा क्या? तो 3 पैर पृथ्वी के बोले माना 3 कन्या माताओं की और निशान संकेत हो रहा है ना बाबा? ठीक है, तो वो 3 जो कन्या माता है, हाँ, वो गंगा यमुना और सरस्वती, इन तीनों के लिए बोला गया है? नहीं, फिर बाबा यमुना और सरस्वती, सरस्वती तो बीच में आती है, बीच में ही लोप आ जाती हो जाती है, उसकी तो बात ही नहीं रही। यमुना की बात, यमुना आदि में
और जब गंगा प्रत्यक्ष होगी तो अंत में फिर, इसलिए वो भी नहीं, अब रह गई गंगा। गंगा तो सर के ऊपर धारण की जाती है, बहुत सर्विसेबल होगी तो जो मीठा बच्चा होता है, प्यारा बच्चा होता है, तो बाप प्यार में आकर के बच्चे को सर के ऊपर भी झुलाते हैं। तो गंगा की बात तो ठीक है। अब रही दो और विशेष शक्तियां हैं, जगदम्बा और लक्ष्मी। जगदम्बा बाबा सरस्वती जो बोला गया था वो जगदम्बा की ओर भी हो सकती है, क्योंकि जगदम्बा आदि में जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी 76 में, उस समय नहीं थी जगदम्बा, आदि में नहीं थी। जब 76 में जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी बाबा, तब जगदम्बा नहीं थी। 76 में अरे जगदम्बा नहीं होगी तो जगत पिता भी नहीं होगा बाबा, लेकिन पहले तो जगत पिता होगा ना, उसके बाद। हाँ ठीक है, जगत पिता और जगदम्बा दोनों ही क्षेत्र में थे, या आपकी बुद्धि ने अनुमान लगा लिया? बाबा बाप को बात करके अपनाया था क्या? हाँ जी, वो बात दूसरी है। वो छोटी बच्ची थी, 9 साल की बच्ची थी, लेकिन नहीं थी, नहीं बाबा, ये नहीं कहा जा सकता। बाबा हो के फायदा क्या जब तक अपनाया नहीं तो? ये थोड़ी बात होती है, छोटे छोटे बच्चे 9-10 साल के कंपनी में जाकर के भर्ती करके आते हैं तो उनका कोई वो बुद्धि नहीं होता है। छोटे बच्चों की बुद्धि में तो बात जल्दी छप जाती है। जो बाबा की याद बच्चों में छपती है वो दूसरों में उतनी छाप नहीं पड़ती। सरस्वती को बोला था वो जगदम्बा की ओर ही संकेत हुआ था। यमुना नहीं होती बाबा? यमुना भी होती है, लेकिन यमुना फिर भी बाद में, यमुना अगर पहले हो जाए तो जगदम्बा यमुना हो जाए। ये बाबा जब समंदर से गंगा जब मिलती है, यमुना सरस्वती और गंगा ये तीनों एक होती है, उसके बाद जाके सागर से मिलती है। हाँ जी, तो ये जो इसीलिए बताया तीन पैर, सागर से गंगा यमुना सरस्वती डायरेक्ट जाके नहीं मिलती, ये दोनों तीनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और फिर ब्रह्मपुत्रा सागर में जाकर की गिरती है, फिर कहा जाता है गंगा सागर से मेला। जगदम्बा गंगा और छोटी माँ के लिए बोला गया, जगदम्बा गंगा और छोटी माँ, हाँ इनके द्वारा विशेष सेवा होती है। हाँ नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ जो सीढ़ी के चित्र में गणपति है, गण माना देवगण, और उनका पति वो मूल में कौन है? देवताओं का पति मूल में कौन है, जिसे कहते हैं पतियों का पति? हाँ जी, और आगे आवाज ही नहीं आ रही। कृष्ण को पहला पत्ता कहा गया था, कृष्ण को, हाँ कृष्ण को पहला पत्ता कहा गया है, गणपति का और कृष्ण का रिलेशन क्या है? अरे वो तो एक ही आत्मा तो है, जो देवता जो देव योनि है वो देव योनि प्राप्त करने वाली पहली आत्मा कौन हुई? कृष्ण की आत्मा हुई ना। हाँ जी, स्नान कर रहे, स्नान करेगी, ज्ञान से स्नान कर रही है।
और गणपति गेट से बैठा हुआ है और दूसरा कोई आपका जाना चाहता है जो उसको जाने नहीं देता है, तो उसका क्या अर्थ हुआ? जो स्नान है ज्ञान जल का स्नान, ज्ञान जल का स्नान यज्ञ के आज की भी बात हो सकती है, और उसमें उस संगठन में अधिष्ठाता कौन था? जो भी माताएं थी, जो भी स्नान करती थी और कराती थी, निमित्त थी ना, उस समय अधिष्ठाता कौन था? ब्रह्मा बाबा। तो प्रजापिता को अंदर जाने दिया क्या? है? नहीं जाने दिया ना? है? पूजा इसीलिए करते हैं कि मात्र भक्त है। सरकट्टा देवी की भी पूजा नहीं होती, सरकट्टा देवता की भी नहीं होती। जब गणेश का सिर लगा दिया जाता है तब पूजा होती है। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, जितना देर चाहे और जब तक चाहे, अगर वो स्टेज रहती है तो भरी पूरी कुटी है। हैं? निर्कुटी में कोई संकल्प नहीं, आत्मा की भी याद नहीं, परमात्मा की तो बात ही छोड़ो। निसंकल्प माने कोई संकल्प नहीं, नहीं 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 कोई संकल्प नहीं माने ये थोड़े ही कि आत्मा लोप हो गई। आत्मा लोप हो जाती है क्या? वैसी तो है लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए मिल स्टेज में चले जाते हैं। और हमको तो ज्ञान है, हम आत्मा अजर अमर अविनाशी है। क्यों? ये अनुभव नहीं होता है, इच्छा याद नहीं आता है, है? चार याद आता है, बस चार ही याद आए। कैसा संकल्प? इसमें कोई बिंदु है? बिंदु में कोई लहर ही नहीं है, स्टार है, तो क्या लहर आ जाएगी? नहीं नहीं, उसमें जो संकल्प है वो संपूर्ण कल्प का बीज समाया हुआ है। क्या? 5000 वर्ष का जो कल्प है उसका बीज बना हुआ है, माना ज्योति बिंदु, वो संकल्प ही बीज है। संकल्प है ना, वो बीज है, वृक्ष नहीं है। संकल्प होता है तो वाइब्रेशन फैलते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन नहीं, बीज है तो सार है, और बीज है विस्तार को पाता है तो बड़ा हो जाता है। संकल्प का जब विस्तार ही नहीं है, बीज है, तो बीज तो आत्मा है, आत्म की स्थिति कहेंगे। अब जब उसमें विस्तार करे तो ढेर सारी बातें पैदा होती है। 84 जन्म विस्तार हो जाता है तो संकल्पों का वाइब्रेशन फैलता है। हाँ जी, हाँ, डॉक्टर है के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर से ये पूछते हैं कि आप मलेरिया के कीटाणु फैल गए हैं शरीर में, आप ऐसा कहते हैं, हमने कभी मलेरिया के कीटाणु देखे ही नहीं, तो हम मलेरिया बुखार भी मानते हैं।
कहेंगे काहे के लिए? हाँ जी, हाँ शरीर में कीटाणु फैलते हैं मलेरिया के, हाँ उन कीटाणुओं में भी आत्मा होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब किसी आदमी में राम वाली आत्मा तो चली गई ना, सीता माता और ओम राधे मम्मी जो है दादा जी भी आपके साथ मतलब रहती है, तो राम वाली आत्मा जो जब किसी आदमी में तो उस समय कहाँ गई? कहाँ गई? क्योंकि गीता माता तो थी ना दादा लेखराज, दादा लेखराज के साथ गीता माता हो गई। तो गीता माता तो गीता पति के साथ होना चाहिए ना, है? लेकिन हो गई किसके साथ? दादा लेखराज के साथ। तो माँ अगर बच्चे के साथ हो जाए और पति का साथ छोड़ दे तो ये गिरती कला की निशानी होगी या चलती कला की होगी? हो गई। वो तो उससे पहले ही हो चुकी थी, स्थापना के साथ साथ ये भी कुंड से बिना ज्वाला प्रकट हुई। चली गई माना विस्फोट हो गया। हाँ जी बाबा, मुरलियों में और वार्तालाप में बाबा ने बोला है कि ब्रह्मा की सोल जो है गुलजार दादी के तन में जाती है अभ्यक्तवाणी चलाने, तो बाप की याद में वो प्रवेश करती है, इसलिए अभ्यक्तवाणी के जो वाक्य है वो बाप के जो श्रीमत है उनको क्रॉस नहीं करती। मुरलियों के महावाक्यों को अभ्यक्तवाणी का कोई भी वाक्य क्रॉस नहीं करता है। तो बाबा लेकिन ब्रह्मा बाबा में जब शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते थे, प्रवेश करके वाणियां चलाते थे, उस समय ब्रह्मा बाबा खुद इंटरफियर करके श्रीमत की प्रतिभा बोलते थे। हाँ बोलते थे। हाँ तो फिर आप जब गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे क्यों बाप गारंटी लेते हैं कि वो क्रॉस नहीं करते? उस समय उनको या मालूम नहीं था, क्या नहीं मालूम था कि मेरे से भी कोई ऊंची हस्ती है क्या? जब सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बन जाती है तो उसमें शक्ति बढ़ जाती है। बाबा आज जो प्रैक्टिकल पाठ चल रहा है अब शिव बाबा का, उसमें भी तो इंटरफियर करके कभी कभी ब्रह्मा बात करती है ना? करती है। तो अभी तो फिर यहाँ से कैसे बात करती है? यहाँ भी प्रवेश करके इंटरफियर करके बात करती है, वहाँ भी प्रवेश करके इंटरफियर करके बात करती थी, लेकिन यहाँ की प्रवेशता में और वहाँ के होने में अंतर है। यहाँ जिसमें प्रवेश करती है उसके संग के रंग से उसमें अंतर पड़ता है उसकी स्टेज में। लेकिन श्रीमत हाँ। अलग से कुछ बोल देती है ना वो भी हाँ। आत्मा हाँ। श्रीमत से अलग हो जाती है वो बात। हाँ जी। तो वहाँ पर जब गुलजार दादी के तन में जाती है तो बाबा गारंटी लेते हैं कि वो वहाँ पे गलत नहीं बोलते? हाँ जी। ये फर्क गारंटी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल देखिए। कोई ऐसा वाक्य हो जो मुरली के बरखिलाफ हो अभ्यक्तवाणी में तो वो निकालिए, नहीं तो दो व्यक्ति जब बोलते हैं तो कोई ना कोई बात में क्रास जरूर हो जाता है। बात ये थी कि बाप के साथ रह के एक ही शरीर में बाप का संग लेके भी वो इंटरफियर करके गलत बोलते। सूक्ष्म शरीर में और साकार शरीर में शक्ति में क्या विशेष अंतर होता है? ज्यादा जानकारी किस स्वरूप को होती है? सूक्ष्म शरीर को जास्ती जानकारी होती है, भविष्य की भी जानकारी होती है। ये जो मजमा लगा के खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर, वो भी किसी व्यक्ति को सुला देते हैं और उसमें सोल का आवेश कराते हैं और व्यक्ति से पूछते हैं तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं बताओ, वो बता देता है गिनो कितने नोट है, वो तो नहीं नोट निकलते हैं। तो जो साकार है उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती और जो आकारी स्टेज वाली आत्मा है उसमें तीक्ष्णता ज्यादा होती है। तो
इंटरफेयर करके बताते ब्रह्मा बाबा, हाँ, तो उस समय वो अपने आप को जो साकार है उनसे श्रेष्ठ ही समझते कभी तो इंटरफेयर करके। हाँ जी हाँ जी, उनको उनको याद नहीं रहता कि मुकर्रर रथ ये है। तो वही चालाक ही हो गए ना, चालाक नहीं हो जो रावण चालाक नहीं होता है तो क्या वो क्या होता है? ब्रह्मा तो बहुत बोला है, ब्रह्मा बहुत बोला है, हाँ? जो दिखाई पड़ता है बोला। आज वास्तव में शिव बोला है या मनुष्य आत्मा बोली है? अगर मनुष्य आत्मा अपन को बोला दिखाती है तो इसका मतलब वो बोली नहीं है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, दिखावा दोनों में होगा तब तो राशि मिलाई जाएगी। अगर पंप एंड शो दोनों की आत्मा में न हो तो राशि क्यों मिलाई जाएगी? दोनों ही आत्मा में पंप एंड शो भरा हुआ है। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में पंप एंड शो कितना भरा हुआ है, तुम कितना भी विस्तार में ज्ञान सुना करके उधर भेजो, वो मीठी मीठी बातें सुना करके और मोल मोल कर देंगी, अपनी झूठी बातों के ऊपर विश्वास बैठा देंगी और तुम्हारी सच्ची बातों का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बाबा ने बोला है गद्दर सुजान जो है, हाँ? वो तो बाप है, वो तो सेव है, हाँ? हाँ? तो ये जो चालाकी ब्रह्मा को कहाँ से मिलती है? क्या तो सुजान होना सुज्ञान, सुज्ञान बाप का है या बच्चे का है? तो आप तो बच्चे को बाप बना रहे। चतुर सुजान का टाइटल शिव ज्योति बिंदु जो साकार रथ में आकर के पाठ बजाते हैं वो पाठ बजाते हैं, और चतुर सुजान का पाठ दुनिया में कोई आत्मा बजा ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन जो ब्रह्मा में जो चालाकी है वो है? बाप के संग से आया हुआ है या खुद को ओरिजिनलिटी है? वो तो आत्मा में भरी हुई है, जन्म जन्मांतर की भरी हुई है, एक जन्म की बात नहीं है। क्राइस्ट की आत्मा में जो चालाकी भरी हुई है या क्रिश्चियंस में आज की दुनिया में जो चालाकी भरी हुई है, आपस में लड़ाते रहो, लड़ा लड़ा करके एक दूसरे को डाउन करते रहो और अपना राज्य करते रहो, खुद बड़े मीठे बने रहो, तो ये चालाकी हुई ना। एक होता है स्पष्टवादी, जो भी बात है जैसे है स्पष्ट कह दी, और एक होता है स्पष्ट नहीं कहेगा, थोड़ा मक्खनबाजी लगा करके कहेगा। एक होता है शुगर कोटेड गोली, एक होता है कड़वी दवाई, अंतर तो होता है। हाँ जी, पूर्वज बंदर थे ना सत्यों से या द्वापर? पूर्वज बंदर थे ये किसने ने बताया या शिव बाबा ने बताया? वो किताबों की बात है, आप पढ़ते हैं तो व्यभिचारी ज्ञान हुआ, अव्यभिचारी हुआ, आप ज्ञान कौन सा ले रहे? शिव बाबा तो किताबों की बात क्यों करते हैं? हाँ, जगदम्बा जब काली माता का रूप लेती है ना, आओ जोर से बोलो, हाँ, जगदम्बा जब काली माता का रूप धारण करती है ना, हाँ, तो भले उसके दूल्हा वाला और कमर के हाथ वाला डाल के जनता जी के ऊपर पाँव रखती है, रखती है, उस टाइम किया वो संकट जी को मुक्त कर देती है। शंकर जी तो शांत पड़े, वो गुस्सा कहाँ है? हाँ जी हाँ जी, वो अपना प्रभाव को मुक्त कर देते हैं। जब महाकाली विकराल रूप धारण करती है तो शंकर जी सोचते हमारा काम तो ये कर रही है। क्या? जब हमारा काम कर रही है और हमारे से ज्यादा तेजी से कर रही है, हम तो 30-35 साल नाक रगड़ते रहे कुछ भी हुआ नहीं, और ये तो फटाफट काम कर रही है, तो शांत रहना चाहिए ना, बोलने की क्या जरूरत? शंकर शंकर जी जो शंकर को मारती है वो रेलर शंकर को मारती है। शंकर मरता थोड़े ही है, हैं? आपने समझ लिया है कि वो शंकर को मारती है? मारती नहीं है, छाती पर पाँव रखने का मतलब होता है
के उसकी मैच तो नहीं देना, जैसे ठोकर मार दी, क्या ठोकर मारना माना डिसरिगार्ड कर देना, मारते नहीं है, तुम समझा, तुम्हारे समझने में क्या होता है। बोलने वाले डुप्लीकेटों को पहले मारती होगी। हाँ पहले पहले मारेगी बिल्कुल। जो 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 समझते हैं कि हम शंकर हैं, हमारे अंदर शिव है, और दूसरों को सुनाते हैं कि हम ही शंकर हैं और चित्र छपा देते हैं, तो प्रूफ हो गया ना कि अपन को शंकर कहते हैं। उनको पहले मारी। नास्तिक धर्म की जो आत्मा होती है, हाँ जी, उसको बाप से स्वर्ग का वर्षा क्यों नहीं? अरे जो बाप को मानता ही नहीं वो बाप उसको वर्षा क्यों देगा? अरे बाप को मानेगा तभी तो बाप की बकौती मिलेगी। ये क्या है कि इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि नास्तिक धर्म सब मानना ही छोड़ देते, नास्तिक धर्म को मानना छोड़ देते? नहीं, तो धर्म को मानना ही छोड़ देते वो लोग, मतलब सब कंफ्यूजन फैला है, तो इसलिए वो लोग नहीं मानते नास्तिक धर्म को, तो बाप से अवस्था क्यों नहीं मिलता? हाँ हाँ, वो जो कम बुद्धि होते हैं वो असली को नहीं समझ पाते, नकली के फरेब में भ्रमण करते रहते हैं। इस्लाम धर्म में गए, इस्लाम धर्म में जाकर के दुख मिला, तो फिर क्रिश्चियन धर्म में चले गए, मुस्लिम धर्म में चले गए, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, नए नए धर्म को अपनाते रहते हैं, तो किसी धर्म पर उनकी श्रद्धा नहीं बैठती। जब किसी धर्म पर श्रद्धा नहीं बैठती तो आखिर क्या होगा? नास्तिक हो जाते। इसलिए आर्य समाज में अर्धनास्तिक भरे हुए हैं। आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा तो अलग है। देवताओं को भी वरदान देते, असुरों को भी वरदान देना, देवताओं को भी वरदान देना, तो दोनों को खुश रखना खराब बात है क्या? असुर यहाँ सब देवता है। अभी परीक्षा होने वाली है, बाबा ने बोला सबके चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कौन आसुर आसुरी चेहरे वाले हैं और कौन देवताई चेहरे वाले हैं, वो सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, थोड़ा बहुत तो दिखाई पड़ता होगा है? बाबा दिखाई पड़ता है, फिर तो शिव बाबा ही हो जाएंगे। बाबा सार में रहना अच्छा हमेशा या विस्तार में भी जाना चाहिए? हमेशा बिंदु व्यवस्था ठीक है या ज्ञान की बहुत ज्यादा विस्तार में जाना चाहिए? विस्तार स्वतः होता है, तो और सार में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है। विस्तार होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया ऑटोमेटिक नीचे गिरती जाती है, विस्तार को पाती जाती है, और नीचे से जब ऊपर उठते हैं, विस्तार से स्टार की ओर जाते हैं, ज्योति बिंदु की तरफ, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए जितना बिंदु रूप स्टेज में समाएंगे, स्वतः को देखेंगे, उतना विस्तार ऑटोमेटिक होता जाएगा, मनन चिंतन मंथन अपने आप होगा। विस्तार को फिर सार में कैसे लेके आएंगे? विस्तार को सार में लाने के लिए ही तो कहा कि अपन को आत्मा समझो, सार हो गया। मैं किसी धर्म की नहीं, ये धर्म अरम तो ये दतिंग हो गए मनुष्य गुरु होंगे। तो सच्चाई है जो बाबा ने धर्म बताया, वो भी तो सच्चाई है। हाँ हाँ, ये रूहानी धर्म है, वो जिस्मानी धर्म है। रूहानियत की स्टेज में रहने वाला, ये भी तो एक धारणा की बात हुई ना। शुरुआत में नहीं मिल रहे थे ऐसे नहीं कह सकते, शुरुआत में मिले हुए थे। क्या शुरुआत में राम
और राम के साथ दो सहयोगिनी शक्तियाँ, तीनों मूर्तियाँ साथ साथ थी और उन मात और पिता से कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ। तो जब कृष्ण बच्चा जन्म लेता है तो उससे पूर्व माँ बाप में प्यार होता है या विरोध होता है? प्यार से ही तो बच्चा पैदा होता है, तो ये नहीं कह सकते कि शुरुआत से ही विरोध था। बीच में जब माया आती है तब विरोध शुरू होता है। हाँ जी, तो ब्रह्मा स्वधर्मी है या विधर्मी? क्योंकि एक से ज्यादा मुख दिखाया है, तो एक बार मुरली में आया है कि जास्ती मुख वाले विधर्मी होते हैं, ब्रह्मा के तीन मुख बताते हैं। स्वधर्मी हुआ या विधर्मी? स्वधर्मी और विधर्मी किसी से कंट्रास्ट करेंगे तब बताएंगे या बिना कंट्रास्ट के बताएंगे? कंट्रास्ट होगा ना, किससे कंट्रास्ट होगा? ब्रह्मा का कंट्रास्ट किससे होगा? ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ, माँ ने माँ, बड़ी माँ, उसका कंट्रास्ट किससे होगा? मेल का कंट्रास्ट किससे होगा? फीमेल का कंट्रास्ट किससे होगा? तो ब्रह्मा का कंट्रास्ट किससे होगा? क्लियर हो गया? हाँ जी बाबा, पॉइंट आया है कि जाओ 84 जन्म नहीं लेना है, है? जाओ 84 जन्म नहीं लेना है, जाओ 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 84 जन्म नहीं लेना है, तो जाओ उनके गले का हार बनो, जाओ उनके गले का हार बनो, प्रजा बन जाओ। किस आत्मा के लिए बोला है? अच्छा, मुरली में ये वाक्य आया है, जाओ 84 जन्म तुमको लेने वाला देवता नहीं बनना है, तो उन कम जन्म लेने वाले धर्म पिताओं के गले का हार बनो। अरे कोई भी हो सकती है दूसरे धर्म को फॉलो करने वाली, जो बाप को फॉलो नहीं करेंगी तो कोई ना कोई धर्म पिता को तो फॉलो करेंगी। नंबर वन को अगर फॉलो नहीं किया तो कोई ना कोई तो फॉलो करेंगे, कोई को फॉलो नहीं करेंगे तो नास्तिक के गले में पड़ेंगे जाके। बाबा हाँ, मुरली में आया कि बाप है पक्का अहमदाबादी, हाँ माना दुनिया के अहम को पहले झुकाएगा और बाद में अपने अहम को झुकाएगा। सारी दुनिया का देह अभिमान खलास होने के बाद जो बाप का पार्ट है वो अंत में आगे आगे जाएगा या पहले से ही चला जाएगा? अभी भी चाहे तो बाप दादा वापस जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जो भी बच्चे हैं उनका देहभान खलास नहीं हुआ है। बाबा अहमदाबादी का मतलब क्या? हम माना देह का आखिर में अपने देह अहंकार को झुकाने वाला ना। हाँ। तो बाबा जो महाकाली के नीचे पैर के तले जो शंकर लेटा हुआ है, तो वो तो आम झुकाने की बात हो गई ना बाबा? नहीं, जो चित्र दिखाते हैं महाकाली का उसके ऊपर रख देते हैं उसे, उसका जो मस्तक है उस मस्तक में उसे दिखाते हैं। नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली तो दिखाई यही पड़ता है ना, तो दुनिया को प्रैक्टिकली दिखाई पड़ता है। लेकिन अहंकार तभी आती है ना बाबा जब दुनिया देखे और मेरा जो जो समझने वाला है वो समझता है, जो ना समझते हैं वो ही अनाड़ी है। तो महाकाली तो न समझने के कारण कि ये गीता का भगवान है इसलिए तिरस्कार करती है, क्या डिसरिगार्ड करती है, लेकिन उनको तो पता है ना, जो गीता का भगवान है उसको तो पता है ना, तो वो निजी स्टेज में आ सकता है क्या? बाबा हम हो ना, हाँ? ये बात ही ये साबित करती है ना बाबा कि एक होता है युक्ति से अपना काम निकालना
और एक होता है युक्ति न निकाली और काम बिगाड़ दिया, तो अहंकार साबित रहा या उड़ गया? अपना काम भी निकल आए, सांप भी मरे नहीं और लाठी भी टूटे नहीं, तो अच्छा काम है ना। अभी मुरली ने कहा कि बाप बच्चों को पॉलिटिक्स सिखाते हैं, यही पॉलिटिक्स है क्या? ये पॉलिटिक्स है, युक्ति ऐसी युक्ति हो जिससे ना अपना नुकसान हो और ना दूसरे का नुकसान हो, उसको कहते हैं युक्ति, खून खराबा ना होने पाए। कृष्ण कृष्ण को कृष्ण अगर चाहता तो इतने योद्धाओं से उसने बचपने में मुकाबला किया, अकासुर बकासुर से, तो क्या कंस से मुकाबला नहीं कर सकता? कर सकता था, लेकिन ये युक्ति रही कि ज्यादा खून खराबा न हो। राम चाहते तो जंगल में बंदरों की सेना न लेते, अकेले नहीं संहार कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इस बिना पर कि एक युक्ति निकाल करके चलना है। ऐसे ही शंकर जिसको वरदान दिया भस्मासुर को, वो पीछे पीछे दौड़ता रहा, ये भागते रहे, सारे संसार में भागते रहे, और भस्मासुर पीछे पीछे भागता रहा, तो क्या ये युक्ति नहीं है? भस्मासुर कौन है? जो अपने भस्म, अपने कोई भस्म कर दे, जो अपने भाग्य को भस्म करे वो भस्मासुर। ब्रह्मा और शंकर दोनों के अंदर जो सुप्रीम कुल की प्रतिष्ठा जो होती है, सुप्रीम कुल की जो प्रतिष्ठा होती है, हाँ जी, बाबा ने बोला मैं जिस स्तर में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, तो ये जो स्टेज की जो प्रतिष्ठा साबित होती है वो कृष्ण और राम के अंदर ही साबित होती है। कृष्ण के अंदर भी यूपी की प्रवेशता साबित ही नहीं होती, कोई चित्र ऐसा नहीं है ब्रह्मा बाबा का जिसमें बीज रूपी स्टेज दिखाई पड़ती हो। लेकिन बात तो आई पहला ब्रह्मा नाम उसका ही जाना गया, ब्रह्मा का नाम पहला जाना गया, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा था कौन सा, पहले प्रवेश किसने किया? लेकिन उनका नाम तो ब्रह्मा आज सभी मुरलियों में कहीं बोला कि पांच ब्रह्मा बताए जाते हैं, लेकिन एक प्रजापिता और दूसरा ब्रह्मा, तीसरा किसी का नाम ब्रह्मा था। अच्छा, उन दोनों की ही बात ले लो तो उन दोनों में पहला कौन हुआ? उन दोनों में पहला प्रजापिता हुआ। बात खत्म हो गई, उन दोनों में पहला प्रजापिता, वो नंबर दो का हो गया फिर। अगर दो को ही मानते हो तो भी नंबर दो का साबित हो गया, तो प्रजापिता पहले और ब्रह्मा बाद में था। हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, और बाकी तीन आत्माओं का जिसमें संगता को दिखाया भी नहीं जाता। वास्तव में कृष्ण की सोल से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा ग्रहणीय जो है वो पहले वो माता हुई जिस माता ने डायरेक्ट प्रजापिता से संपर्क किया सुनने और सुनाने के लिए। ब्रह्मा ने डायरेक्ट संपर्क नहीं किया, माँ बाप और बच्चा तीनों में ज्यादा पावरफुल कौन होता है, मध्यम कौन होता है और कम पावरफुल कौन होता है? ज्यादा पावरफुल और मीडियम, और उससे भी कम, भाई पैसे ही है तो ब्रह्मा से ऊंचे दो ब्रह्मा पैसे भी हो गए हैं? नहीं, ऐसे भी बोला है कि दो आदि के ब्रह्मा और दो अंत के, बराबर दो आदि के ब्रह्मा माने प्रजापिता और वो जगत माता, और अभी का जो पार्ट है हाँ, वो चेहरा दूसरा बदल गया, शरीर चेहरा बदलने मात्र से जो है शरीर बदल गया, शरीर बदल गया माना दो रूप अलग हो गया, आज के दो रूप और अंत के दो रूप और बीच में दादा ने कहा ब्रह्म उसका पांचवा नंबर ना। हाँ जी, और 16,108 जो बोले हैं राजघराने में जन्म लेने वाले, हाँ जी, वो पूरे चौराहे से जन्म लेते हैं क्योंकि 9,16,000 फर्स्ट के हैं। तो अभी अभी जो फ्री रिसेंटली उसने बताया
वो राजघराने में जन्म लेने वाले सतयुग के आदि में नहीं आते हैं, क्योंकि सतयुग के आदि में राजघराना होता ही नहीं है। ये बात समझी नहीं? सतयुग के आदि में राजघराना होता है, अगर होता नहीं है तो कृष्ण का जन्म राजघराने में होता है या प्रजा घराने में होता है? भाई और कोई नहीं है, पहले एक बात का तो जवाब दो, कृष्ण का जो जन्म होगा वो राजघराने में होगा या प्रजाघराने में होगा? राजघराना, तो राजघराना तो होता है, लेकिन वो राजघराना बढ़ते 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 9,16,108 की संख्या जब तक पूरी न हो, और पूरी संख्या जैसे ही होती है और उनके पांच प्रत्यक्ष होते हैं, वैसे ही दुनिया का विनाश होता है। उस विनाश में कुछ आत्माओं को वापस जाना है और कुछ आत्माओं को इस धरती पर रहना होता है। नए नए आते रहते हैं और यहाँ जन्म लेते रहते हैं। अरे बाजू में तो बैठाते हैं, कहते पसंद नहीं करते वर्षा तो अगर उसको भी पसंद करने लगे फिर तो लोग उंगली उठाएंगे, देखो ऐसे ऐसे हैं बच्चे, उनको वर्षा दे दिया और हम घुट्टे बर्दारी करते रहे जिंदगी भर, हमको कुछ भी नहीं मिला। माँ को अपने पति की याद आई, जो बच्चों ने दुख दिया माँ को अपने पति की याद आई, अंत में देश तो गति हो गई, पति के पास पहुँच गई। पति के पास पहुँचने के बाद फिर अनिश्चय में क्यों क्यों आती है? अनिश्चय में क्यों आती है? कौन माँ? यहाँ ढेर सारे सरेंडर होते हैं, यज्ञ के आदि में खून से लिख लिख करके दिया, सरेंडर हो गए, और अभी कोर्ट स्टाम्प पर लिख लिख करके सरेंडर होते हैं, और सरेंडर होने के बाद विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, निश्चय पत्र लिखने के बाद अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, ये क्यों हो जाते हैं? जब सतो प्रधान स्टेज होती है तो सरेंडर बुद्धि होते है, और जब तमो प्रधान बनते हैं तो विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। शिव बाबा उन्होंने बिंदी को माना, ब्रह्मा कुमारियाँ बिंदी को शिव बाबा मानती है या कोई साकार को शिव बाबा मानती है? मम्मा की बात की बात, ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा जिसको कहती है वो बिंदी को मानती है या साकार को मानती है? बिंदी को मानती है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियों की जो बीज होगी रुद्रमाला में, वो बिंदी को शिव बाबा कहेगी या साकार को कहेगी? अगर साकार को माने तो वही गीता का भगवान हो गया। साकार को छोड़ा और बिंदी को मान लिया, तभी तो असुरों की अम्बा कही जाती। अगर एक को ही मानती रहे तो फिर देवताओं की ही बनी रहे ना। हाँ। रावण की जेल में थी? रावण की जेल में थी नहीं, द्वापर के आज में रावण की जेल में थी नहीं, अब है। अग्नि परीक्षा इसीलिए ली गई कि सोने की सीता बनाई थी। सोने की सीता का मतलब है कि जड़ तत्व तो है, सोना क्या है? तत्व तो है, लेकिन फिर भी सोना है और धातुओं के मुकाबले सच्चा है, इसलिए सीता की परीक्षा ली गई कि जो सच्चा सोना होता है वो अग्नि में भी डाल दो तो भी नष्ट नहीं होता, और जो खाद होती है वो खाद जम जाती है। मना रुद्रमाला के जो भी मड़के हैं 108 वो सब बीज हैं सृष्टि के, वो नष्ट होने वाले नहीं है, उनमें जगदम्बा भी नष्ट होने वाली नहीं है। सृष्टि की नैया है, डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, अगर वही डूब जाए तो रुद्रमाला सारी
सारी ही रुद्रमाला डूब जाएगी, और सारी रुद्रमाला डूब जाएगी तो राजा ही कबर का किसी को नहीं मिलेगा, फिर तो रानियां ही आगे हो जाएगी। गेहूँ के बारे में बोला गया, आगे भारत से गेहूँ बहुत विदेशों में जाता था, दिल्ली में बोला गया, अभी विदेशों से भारत में आ रहे थे, तो गेहूँ के बारे में बोला संजय माथुर ने बोला है, अभी भारत से क्या आ रहे हैं, दिल्ली को भारत से ही जा रहे हैं। गेहूँ माना अन्न, अनाज, लोग की खुराक, क्या कौन सी खुराक, आत्मा की खुराक क्या है, इतने प्यार, ये आत्मा की खुराक है, इस खुराक को लेने से आत्मा पावरफुल बनती है, घृणा और देह ये आत्मा को नष्ट करने वाले हैं, ये खुराक नहीं हुई, ये विष हो गया, ये विष शंकर जी पी लेते हैं, मनुष्य आत्मा उसे पी नहीं सकती, तो आत्मा की जो खुराक है योग, वो अभी भारत में तो विदेशी शिक्षा पहुंच गई है, विदेशी शिक्षा ने यहाँ के भारतीयों को पूरा ही व्यभिचारी बना दिया, मुसलमान चार चार शादियां करते हैं, और यहाँ ऐसी शिक्षा फैली हुई है जो गुप्त रूप में कितनी शादियां होती है पता ही नहीं चलता, बाबा ने कहा विकार में जाना माना शादी, तो कितनी शादी करते हैं, सोलह प्रिंसेस होते हैं, तो 16,100 है, तो हर जन्म में थोड़ा ही है, हर जन्म में छब्बीस से लेके शुरुआत होगी ना, कोई हर जन्म में है और कोई सिर्फ अंतिम एक जन्म में बनेगी, पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे, पूरे 84 जन्म ले भी सकते हैं उनमें से बहुत से, और उनमें से बहुत से ऐसे भी जिनको वापस जाना है, जो दूसरे धर्म के हैं वो शुरुआत में दास दासी बनेंगे, क्या जैसे इस्लाम धर्म का मुख्य मर्दा कौन है, अरे इब्राहिम, और उसकी युगल का नाम क्या, माया दासी कही जाती है ना, वो माया दासी कब बनती है, माया और प्रकृति के पांच तत्व जो उसके सहयोगी हैं, वो माया और प्रकृति ये दोनों दासी कब बनते हैं, सत्यु के आदि में पहले जन्म में दास दासी बन के रहेंगे और अंतिम जन्म में इनको कोट पतलून मिल जाएंगे। हाँ सत्यु के में तो ज्ञान होता ही नहीं, उठ जाता है, द्वापर युग में ज्ञान होता है क्या, तो पता कैसे चलेगा, पता कर होने का सवाल ही नहीं, वहाँ ज्ञान ही नहीं होता, द्वापर युग में पता कैसे चलेगा, द्वापर युग में पता होने का सवाल ही नहीं, पता होना माने ज्ञानी होना, वहाँ सब अज्ञानी होते हैं, बातें जो शास्त्र में लिखी जाती है, ये द्वापर युग से शुरू होती है ना, वो आत्माओं में इतना ये उनके दिमाग ज्ञानी में रहता है, जो सूरदास की आत्मा है वो कृष्ण की उपासना करती है, करती है ना, और राम की आत्मा तुलसीदास बनती है, और तुलसीदास बनकर के राम की उपासना करती है, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, तो राम कृष्ण की आत्मा में भागवत के संस्कार ज्यादा होंगे या दूसरों के अंदर ज्यादा होंगे,
सांसों के ज्यादा संस्कार किनके अंदर होंगे? जिन्होंने संगम युग में ज्यादा अनुभव किया होगा उनके अंदर संस्कार भी ज्यादा बढ़े हुए होंगे, तो वो ही आत्मा वहां जाके दिखती है। बाबा हाँ। जब कृष्ण की पूरे बनती है ना तो प्रजापिता में प्रवेश करती है और अनिश्चय बुद्धि बनती है, तो बाबा ने बोला कि नारायण होता है उनमें जाके प्रवेश करती है कृष्ण की आत्मा। हाँ कृष्ण की आत्मा आठवें नारायण में प्रवेश करती है। ब्रह्मा बाबा की सोल आठवें नारायण में प्रवेश करती है, आठवें नारायण में प्रवेश करती है। अच्छा फिर गुलशंकर जी के आगे समझते हैं, तो क्या हुआ? तो बाबा फिर गुलशंकर जी के ब्रह्मा बाबा को जन्म देगी हो सकता है। तो बाबा आठवा जो नारायण है सती पे उसको तो बच्चे होते ही नहीं, आठवें नारायण को बच्चे नहीं होते, पूता होता है। ऐसा भी तो कोई राजा हो सकता है जिसको बच्चे तो हो लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा लोन चढ़ा हुआ हो कि उसकी सारी राजाई उसके बच्चों को नहीं मिले, और सारी राजाई कौन ले जाए? जो लोन लेता है उसको सारी राजाई मिल जाए, बच्चे बिना राज्य भाग्य के रह जाए। क्या शूटिंग कब होती है? ब्रह्मा बाबा को बच्चे के रूप में जन्म देगी हो सकता है, तो ब्रह्मा बाबा को गुर्जर देवी से बहुत लगाव है। हाँ तो उसका ही कोई रिलेटेड है क्या? तो उसके लगाव है, वो लगाव पूरा करने के लिए शोक से जन्म देंगी, ऐसा हो सकता है? मना वो पक्का नहीं है, है? मेरा पक्का नहीं है। जो पक्का कोई प्रूफ बताओ तो पक्का हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा को जन्म देते हैं, ये कोई बात नहीं है। जो जिसमें प्रवेश करता है वो प्रूफ हो जाता है कि वो बच्चा ही बनता है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो है वो तुम बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है, तो अब उनके मन का भाव किसके साथ क्या है ये कैसे पता चलेगा? ये तो अंदर की बात है ना बाबा। धर्म पिता ने साकार में निराकार को नहीं मानते तो इनकी निराकार स्टेट कैसी हो जाती थी? ये कोई जरूरी थोड़े कि साकार में निराकार को जो मानता हो उसकी निराकार स्टेट बनेगी और दूसरों की नहीं बनेगी। ये कोई नियम है क्या? जो साकार देवताओं को मानते ही नहीं तो उनमें प्रवेश होने को क्यों मानेंगे कि भगवान उनमें ही प्रवेश करता है? वो इस बात को समझ लेते हैं कि आत्मा आत्मिक रूप में अपने को समझने से आत्मा में सारी पावर आ जाती है कॉन्सेंट्रेशन की। जैसे ज्ञानी लोग समझते हैं, ज्ञानी लोग ये समझते हैं कि भगवान अलग से कोई चीज नहीं होता, आत्मा ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है। माना वो शिव तत्व को अलग से नहीं मानते, शिव कोई अलग से आत्मा सुप्रीम सोल नहीं है, मनुष्य आत्मा ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है ऐसी वो धर्म पिताओं की मान्यता है। वो साकार रूप में भगवान को नहीं मानते। जो बीमारी आदि होती है बीमारियों की तो हर चीजा में उन्हें आत्मा होती है। हाँ जी तो आत्माओं के साथ जिसका चीजा होता है इसलिए बीमारी होती है। उनके साथ इसलिए बीमारी होती है क्या? ऐसे आत्माओं के साथ हमने दुष्कर्म किए होंगे तो वो अनेक रूप धारण करके प्रवेश कर गई। लेकिन अभी जैसे है समय में है, उत्तर के समय में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है,
हमें पता है नहीं जाती है ना, नहीं जाती है हाँ, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे कर्म तो करती होगी, कर्म तो करती है। तो जो जो आत्माएं जैसे जैसे कर्म करती है, उन कर्म करने वाली मनुष्य आत्माओं के साथ हमने जैसा सलूक किया है, वैसा ही वो आत्मा हमारे साथ सलूक करने के लिए बंधी हुई है। लेकिन आत्माओं के साथ तो हमारे नहीं बन रहा है, क्यों किन आत्माओं के साथ? मनुष्य आत्माओं के साथ नहीं बनता है, तो वो उस तरह की मनुष्य आत्माएं होने की मुखिया हो गई। हाँ जी, वो जैसा चाहेंगी उनको चलाएंगी। मनुष्य जब बिगड़ता है तो सब पशु पक्षी की चपच पतंगे सब बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और मनुष्य सुधरता है तो सब सुधर जाते हैं। बाबा है कि आज को छोड़कर आज को जो है सजा नहीं मिलेगी, बाकी सबको सजा मिलेगी। हाँ जी बाबा, के उसमें छोटी माँ भी आती है जो जो आठ है वो आठ आत्माएं हैं, और आठ आत्माएं कोई देह में प्रवेश करके इस संसार में विशेष पार्ट बजाई लेती है। जो आठ हैं वो आठ आत्म की स्थिति में भी होंगे, और वो आठ आठ रत्नों में भी प्रवेश करते होंगे। नहीं बाबा, आठ रत्न है कि नहीं? माना जो अलग अलग धर्मों के ग्रुप हैं उनके मुखिया हैं रत्न क्या, और जो बाकी बचे अष्टदेव है वो अष्टदेव उन रत्नों में प्रवेश करते हैं। उनमें पहला जो रत्न है हीरा, उसमें तो शिव की प्रवेशता हो गई, उसमें कोई दूसरा रत्न प्रवेश कर नहीं सकता। बाकी रह गए सात, तो सात जो अष्टदेव में है उनमें जो 12 12 के ग्रुप के हेड्स हैं वो प्रवेश होने और आधारभूत होने का पार्ट बजाएंगे या नहीं बजाएंगे? कोई शरीर का पार्ट बजाएंगे और कोई उनमें प्रवेश होने वाली आत्मा का पार्ट बजाएंगे। ज्यादा पावरफुल कौन हुए, प्रवेश होने वाली आत्मा या जिस शरीर में प्रवेश हुआ शरीरधारी आत्मा? तो जो प्रवेश होने वाली आत्मा है वो यशदेव है। ये बाबा सुनो, तो जब आत्मा शरीर में प्रवेश कर गई तो उनको एक कहेंगे या दो कहेंगे? एक दो, लेकिन एक ही है आत्मा दो है, लेकिन व्यक्तित्व तो कितना कहेंगे? एक ही व्यक्तित्व तो कहे कहा जाएगा। माने अष्टदेवों में जो चंद्रवंश का बीज है वो चंद्रवंश का बीज जब चंद्रवंशियों का जो 12 के ग्रुप का जो हेड है रुद्रमाला में वो कौन है? जगदम्बा। उसमें प्रवेश करके एक होकर के एका हो एकाकार होकर के पाठ बजाए तो व्यक्तित्व कितने गिने जाएंगे? एक गिने जाएंगे। और मुरली बोला है शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ऐसे नहीं संकल्प में सजा खा करके खत्म हो जाएंगे। बर्फ में दबना ये भी सजा है बोला बाबा? बर्फ में दबना जब देवान है तो बर्फ में दबना सजा है, अगर देवान है ही नहीं पक्की आत्मिक स्टेज बन गई तो वो सजा सजा महसूस नहीं होगी। बात ये बाबा कि वो आज को छोड़ के तो सबको सजा मिलती है बोला बाबा? हाँ नंबर वार, तो वो जो आज को छोड़कर जो बाकी भी चाहती है उसमें छोटी माँ भी आती है ना, लक्ष्मी वाली आत्मा? हाँ जी वो आती है ना उसमें? हाँ जी। माना उनको भी सजा मिलती है? हाँ जी उनको भी सजा मिलती है छोटी माँ। कहाँ विजयमाला और कहाँ रुद्रमाला, उनको कंपेयर कैसे कर लिया? लेकिन आठ जो रुद्रमाला और विजयमाला राजा बच्चे जो बनते हैं वो शिव बाप की माला के बच्चे हैं रुद्रमाला, और जो विजय माला के हैं वो विष्णु की माला के बच्चे हैं। तो
न सजा पाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं होंगे या उनके मुकाबले अज्ञानी आत्माएं होंगी? धर्मराज के फटके सिर्फ रुद्रमाला को लगेंगे है? धर्मराज के फटके जो है वो सिर्फ रुद्रमाला को लगेंगे। रुद्रमाला माना जो आठ देवताएं हैं उनको लगेंगे? उनको छोड़ के सबको लगेंगे, चाहे विजयमाला हो चाहे रुद्रमाला हो। वही तो बता रहा हूँ, जो विजयमाला है बाबा है, विजयमाला की जो हेड है, जो ओरिजिनल विजयमाला की जो हेड है छोटी माँ, वो भी उस धर्मराज के जो सजा से सजा में आती है ना? क्यों नहीं आएगी? विजयमाला की जो मणके है तो वो सजा किस हिसाब से होगा? बर्फ में दबने से होगा? बिल्कुल होगा, जब आत्मा की स्थिति पहले पक्की नहीं बनी होगी तो वो अनुभव होगा थोड़ा बहुत। लेकिन बाबा ने बोला है जब जोड़ी बनती है विजयमाला और विजयमाला वो तो समान पुरुषार्थ के अनुसार बनता है, समान पुरुषार्थ के आधार पर बनेगी। तो नारायण संघ के रंग के समान पुरुषार्थ ही बन सकते हैं, लेकिन वो बर्फ में दब के अगर कंचन काया बनेगी। बर्फ का दबना भी जो है वो दो प्रकार से हो गया, एक तो आत्मिक स्थिति बनी हुई है, अनुभव ही नहीं हुआ, इतना प्यार भरा हुआ है क्या आत्मिक स्थिति बाबा? व्यक्ति में इतना प्यार भरा हुआ है, उस प्यार में इतना डूबा हुआ है कि कोई तकलीफ दे रहा है तो भी उसको तकलीफ अनुभव नहीं हो रही है, अंतर पड़ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल संघ के रंग से आत्मा जो है याद की शक्ति से क्या नहीं हो सकती है? याद से सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ जी, बताया ना कि चंद्रवंश जो है वो चंद्रवंश के मणके में मिलकर के एक हो जाता है, तीन आत्माओं का संयोग हो जाता है। जैसे शिव की त्रिमूर्ति है वैसे हर आत्मा की भी अपनी त्रिमूर्ति है। प्राकृतिक आपदाएं वगैरह होती है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, हाँ जी, तो सबसे पहले जो है जो जानवर है उनको पता चलता है ना, वो इशारा पकड़ लेते हैं। जैसे कोई भी जैसे भूकंप होना हो या कोई बड़ा परिवर्तन होना है कोई भी, वो ऐसे ही है जैसे शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जो साक्षात्कार करती हैं और उनको पहले पता पड़ जाता है क्या कि दुनिया का विनाश होने वाला है, उनमें ब्रह्मा बाबा चंद्रवंश वाले भी आ जाते हैं, उनको भी पता पड़ता है क्या कि विनाश होने वाला है, और जो बुद्धि के तीखे हैं उन्हें बुद्धि का प्रमाण मिलता नहीं, ज्ञान होता नहीं, इसलिए उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। ऐसे यहाँ भी पहले प्रत्यक्ष किया, हाँ, लेकिन वो साक्षात्कार के आधार पर नहीं। टाइम हो गया, आठवां बताया है, आठवां संस्कार बताया है, और ये वो आठवां पुत्र बताया किसको? जिसने तो आठवां बताया, हाँ, धर्म क्या? हाँ, जब सात नारायण प्रत्यक्ष हो जाए, सात नारायणों की प्रत्यक्षता हो जाए तब छुपा रुस्तम बाग में खुले है क्या? तो बाद में उसकी प्रत्यक्षता होती है। पंडरपुर में जो पांडुरंग है वो अवतार, तुम अपना जोर अगले क्लास में दिखाना।